तो भाई आ गए हम फिर से आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के, नॉलेज से भरी हुई, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो मार्केट में फ्रेशर्स। हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि आपको वो नॉलेज दे दूं जो आपको आगे यूज़ में आ जाए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में जो फ्रेशर्स, जो ग्रेजुएट, जो बीटेक करके, जो एमटेक करके, या जो भी मेरे फ्रेशर्स भाई लोग मार्केट में उतरेंगे, उनके साथ क्या हालत होने वाली है, उनके साथ क्या बीतने वाली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होते ही एक बहुत बुरा फेज नौकरी वाले बंदों के लिए आने वाला है। गवर्नमेंट की बात मैं नहीं करता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों को हालत जो है वो पतली होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने 2-3 महीने बैठ करके अपने एम्प्लॉयज को फ्री की सैलरी दी है, और बहुत सारी कंपनीज ने गवर्नमेंट की गाइडलाइन मानी भी नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी की मना नहीं करेगी, सब लोग सैलरी देगी, बट ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ और ही है। रियल एस्टेट कंपनी होगी, एयरवेज कंपनी होगी, एयरलाइंस वाली कंपनीज होगी, वहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि सैलरीज मिल रही हैं, बट सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो आगे अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, तो अब क्या सिचुएशन होगी ये बता दूँ दोस्तों। कंपनीज अपना बेनिफिट 101% देखेंगी। कंपनीज अपना बेनिफिट कैसे देखेंगी? सबसे पहले तो वो चाहकर या ना चाहकर अपने स्टाफ को कम करेंगी, जो कि उन्होंने लॉकडाउन में किया भी है। कुछ लोगों को तो इस तरीके की बात बोल दी गई कि जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे के लिए आपको पैसे मिलेंगे, और कुछ लोगों के तो टाइम कैलकुलेट करने का तरीका ही बदल दिया। अगर मैनेजर ने ये बोल दिया कि ये काम 2 घंटे का है, अब आप उसको 1 घंटे में करो, 10 घंटे में करो, या 2 दिन में करो, आपको केवल और केवल 2 घंटे की सैलरी मिलेगी। तो कंपनीज ने अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाए हैं, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट की। तो जो मेरे फ्रेशर्स भाई आएंगे उनके लिए सिचुएशन बहुत टफ है। रीज़न, कंपनी इस मूड में बिल्कुल नहीं होंगी कि वो एक फ्रेशर बंदे को कम पैसे मिले, 6 महीने उसके साथ उसको सिखाएं, उसके साथ सर फोड़ें, और फिर उससे वर्कआउट। कंपनी तो बल्कि इस मौके में होंगी कि सबसे पहले अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उसमें से स्ट्रेंथ को कम करें, कम करने के बाद में जितने रह गए हैं उनसे ज़्यादा काम करवाएं, और जो रह गए हैं उनकी सैलरीज कैसे कट की जाए, क्योंकि कंपनीज ने जो लॉस झेला है इस लॉकडाउन में, कहीं ना कहीं उसको वो जल्दी से जल्दी रिकवर करने की सोचेगी, जल्दी से जल्दी पूरा करने की सोचेगी। तो मेरे फ्रेशर्स भाई ऐसे में करें क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि फ्रेशर्स, अब वो चीज़ तो रुक नहीं रही है भाई, एग्ज़ाम हो गए, रिजल्ट आ गया, फ्रेशर्स के साथ जो होना है उसको कैसे हो? दोस्तों सिचुएशन कुछ वैसी बनने वाली है जैसी 2008 में बनी थी, फुल्ली रिसेशन आया था, जॉब्स दूर दूर तक नहीं थी, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन बन रही है, बल्कि बन जाएगी लॉकडाउन के खत्म होते होते। तो करें क्या? यहाँ पे मैं अपने फ्रेशर्स भाई को 2-3 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, वो चीज़ कर लेना, कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ फिट हो ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये रिसेशन आएगा और लॉकडाउन चल रहा होगा या खत्म हो गया होगा, तब बहुत सारी फेक कंपनीज ऑटोमेटिकली मार्केट में एक्टिव होंगी, जो आपको बोलेंगी कि हमारे पास बेइंतहा जॉब है, आप आइए, हम आपको जॉब से सराबोर कर देंगे, आपको इतनी जॉब देंगे, आपका प्रोफाइल कहीं मैच कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन उनके पास जॉब्स होंगी। क्यों? क्योंकि वो फेक होंगी, और वो आपसे पहले कुछ पेपर वर्क करवाएंगी और फिर कहेंगी कि थोड़े से पैसे आप जमा करवा। दोस्तों हर वो कंपनी जो अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगेगी वो 101% फेक होगी, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी होती ही नहीं। वो आप जैसे बहुत सारे भाइयों से पैसा गमन करती हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस भी ऐसे ही होते हैं, 2 टेबल होती हैं और 2-3 छोटे छोटे रूम्स होते हैं, वहीं पर वो डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं और उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि आपके हम इस तरीके से इंटरव्यू करवाएंगे, आपको उस कंपनी में भेजेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा लगेगा, चाहे वो 1,000 रुपये हों, 2,000 रुपये हों, 5,000 रुपये। दोस्तों ऐसी कंपनी के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, इस टाइम पे फ्रेशर्स मेरे भाइयों के पास चूज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं,
थोड़े दिन के लिए अपनी उस चूज करने वाली चीज को, अपने टैलेंट को, अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रख देना। रीजन कि जब आप मार्केट में फ्रेशर्स बन के आओगे, मार्केट की हालत ख़राब होगी तो चूज करने के लिए होगा कुछ की। एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा दोस्तों, एक्सेप्शन तो होते वही हैं जो एक्सेप्शनली परफॉर्म करके निकल जाते हैं। तो किसी भी तरीके की, चाहे वो आपके प्रोफाइल की जॉब हो, चाहे वो आपकी प्रोफाइल की जॉब ना हो, आपको वो ज्वाइन कर लें। आप सोचने लग जाओ मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं एडमिन की जॉब क्यों करूँ, या मैंने तो एडमिन की नॉलेज ली थी यार, ये मुझसे ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों करवा रहे हैं, या मैंने तो डिलीवरी बॉय का काम किया था, ये मुझसे कोरियर का काम क्यों करवा रहे हैं। दोस्तों काम कोई भी हो, इस सिचुएशन में आप ज्वाइन कर लेना। पैसे भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन तो किसी की मीट होगी ही नहीं, क्योंकि जब जॉब्स नहीं होंगी, ऑप्शंस नहीं होंगे, तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होंगी। एडवांटेज क्या है भाई? भाई ये पागलपंती का स्टेप उठा के एडवांटेज क्या है कि मैं नॉन प्रोफाइल में घुस जाऊं, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूं दोस्तों। एडवांटेज तो यही है कि भाई आप मार्केट में रहोगे, मार्केट में आप 10 लोगों से मिलोगे, मार्केट में 10 लोगों से जब आप मिलोगे तो मार्केट की नॉलेज होगी। अपने घर से डेली निकलोगे तो आपकी लाइफ पे एक रूटीन हो जाएगा, जो कि एक जॉब वाले बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका रूटीन भी होगा, आप नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे तो आपकी ट्यूनिंग और आपके टर्म्स भी बढ़ेंगे। तो जब आप अपने प्रोफाइल में जाने की कोशिश करोगे एक टाइम पीरियड के बाद, जब ये जो रिसेशन का टाइम जो आने वाला है वो खत्म भी होगा, तो जब आप अपने प्रोफाइल में जाने की कोशिश करोगे तो वही मार्केट की नॉलेज आपको हेल्प करेगी। आपको रूटीन पता होगा, आप लोगों से बात करने का तरीका आपको आ गया होगा, किस तरीके से लोगों के साथ टर्म्स बनाए जाते हैं, वो टर्म्स ही आपके काम आएंगे आपको नई जॉब दिलाने। साथ में हर वो कंपनी जो आपको प्रोफाइल में लेगी वो आपसे ज़रूर ये पूछेगी कि आप कब के पास आउट हो। आप कहोगे मैं फला सन का पास आउट हूँ, तो वो पूछेगा कि उसके बाद क्या किया। आपके पास ये जवाब ज़्यादा गलत होगा कि रिसेशन था मैं घर में था, ये जवाब ज़्यादा अच्छा होगा कि रिसेशन था बट मैं नॉन प्रोफाइल में काम कर रहा था, मैं घर से बाहर ही था, मैं इस प्रोफेशन में घुसा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी को बहुत अच्छा लगेगा, आपका पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। तो एडवांटेज तो दोस्तों, डिसएडवांटेज इसमें मुझे दिखता ही नहीं है, तो डिसएडवांटेज की बात मैं करूँगा ही दोस्तों। फ्रेशर्स की जो भी हालत होने वाली है उस पर मेरे दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन आई, मैंने आप तक शेयर की। आपको अच्छी लगी तो दोस्तों आप भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।